ओके तो ये आईसीए का फुल कोर्स टेस्ट है ईटा पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। रैंडम एमसीक्यूज हैं, कभी फिजिक्स, कभी कैम, कभी बायो एंड इंग्लिश लॉजिकल। तो फर्स्ट वन है आपके पास कि शेप ऑफ प्लांट सेल इज ड्यू टू सेल वॉल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन गिविंग शेप सेल इन प्लांट सेल। सेल्यूलोसिक फाइबर शेप देते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन शेप देते हैं, पॉलीसेकेराइड शेप देते हैं, लिपिड डू नॉट गिव शेप, ठीक है। फिर उसके बाद है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन शेप देते हैं, ठीक है। सेकंड वन है फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बिल्कुल बुक लाइन है, ठीक है। तो ये प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे फंक्शनल डाइवर्सिटी देते हैं। द सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज रिजेक्टेड बाय, तो कौन सा मॉडल बाद में आया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था ना, निकोलसन एंड सिंगर लाया था, तो उसकी वजह से पहले वाला क्या हो गया था? रिजेक्ट। और विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन मसल? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड मेटल ट्यूब, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट? पॉजिटिव चार्ज ले आए उसके नज़दीक, ठीक है। तो क्यूब बिकम नेगेटिवली चार्ज, क्यूब बिकम पॉजिटिवली, इंटीरियर बिकम पॉजिटिव। इंटीरियर पे तो वो चार्ज फ्री रीजन होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहाँ पे। एंड द सरफेस गेट्स नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये डी वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट है आपके पास। फिर है कि अ होलोस्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी, तो इंटीरियर पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जीरो होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटीरियर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। व्हेन 10^19 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट विल बी, तो देखो ना, चार्ज होता है 1.6 × 10^-19। वो क्या, क्यों क्यों पूछ रहा है? क्यों इज इक्वल टू एन कितना दे रहा है? एन 10^19 दे रहा है, 1.6 × 10^-19, 19 गया, सिर्फ प्लस 1.6 आपके पास रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो प्लस रहेगा। एट है आपके पास कि द कंपाउंड दैट अंडरगो फास्टेस्ट एडिशन रिएक्शन, वो आपके पास कौन होंगे? देखो साइक्लोहेक्सेन वाले बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन, तो यू नो द रिएक्टिविटी, अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन एंड बेंजीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूटीन आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। टोलुइन गिव लेस स्टेबल प्रोडक्ट व्हेन अंडरगो, तो टोलुइन गिव लेस स्टेबल प्रोडक्ट, कब कब ये कम स्टेबल प्रोडक्ट देगा, किस टाइप ऑफ रिएक्शन में? तो टोलुइन देखो ना, बेंजीन रिंग है और ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो जब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, एडिशन बहुत मुश्किल से होती है, ठीक है, बाकी न्यूक्लियोफिलिक वो इजीली हो सकती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकता है एरोमेटिक कंपाउंड का, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बहुत मुश्किल से इनकी होती है। द कॉमन नेम ऑफ कार्बोजिलिक एसिड गिवन बिलो, तो ये आपको ये कॉमन नेम याद करने हैं, पहले से लेकर 6 कार्बन तक आप याद कर लें, ठीक है। तो ये देखो ना, 3, 4, 5, 5 कार्बन वाले, और इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ग्लूटारिक एसिड। और द टीचर डैश ओनली टॉपिक अप टिल नाउ, यानी ये काम अभी तक हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो टीचर हैज फिनिश, पॉइजन परफेक्ट में हम यूज करेंगे, ठीक है। ही हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डिस्ट्रेस, हैज ही इज इन मिजरेबल सिचुएशन, आई डैश हेल्प हिम, तो ही हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डिस्ट्रेस, ठीक है, उसने इसकी मदद की, हैज ही इज इन अ मिजरेबल सिचुएशन। अब देखो ना, ये यानी ये मैं भी उसकी मदद करूंगा अगर ये आगे आया ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो ये पास्ट वगैरह तो वुड, यहाँ पे आर टू बहुत बेस्ट है इन टाइप सेंटेंस के लिए, ठीक है। फिर आपके पास है कि ग्लाइसरल अल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये आपके पास क्या है? दे आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ट्रायोजिस में आते हैं, और ठीक है, ग्लाइसरल अल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये ट्रायोजिस में आते हैं, एक अल्डिहाइड वाला, एक कीटोन है। फिर आपके पास है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, नहीं ऑक्सीडेटिव फेज तो नहीं, ठीक है। तो ये सी आपके पास इसमें करेक्ट है। 14 है लेफ्ट हैंडेड शुगर, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और ठीक है। 15 आते हैं, उसमें कह रहा कि नाइट्रोजन इज एबसेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नाइट्रोजन किन में एबसेंट होता है?
मेलानिन में भी मौजूद है, फॉस्फोलिपिड में भी मौजूद है, काइटिन में भी मौजूद है। हार्मोन विच आर लिपिड इन केमिकल नेचर, एनिमल ओनली, प्लांट ओनली, इंसेक्ट ओनली। तो एनिमल का आप वाला टॉपिक खोल लेना सेकेंड चैप्टर में, बायोलॉजिकल मालिक, वहाँ पे कुछ मेंशन है, जिब्रेलिन हो गया, ठीक है, तो वो भी आपके पास प्लांट वाले हैं वो, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो भी लिपिड है, एनिमल के एल्डोस्टिरोन ये भी लिपिड है, तो जब दो हो गए तो ऑल ऑफ दीज, इंसेक्ट के भी लिपिड होते हैं, ठीक है। 17 है, ऑल चार्जेस ऑन कंडक्टर मस्ट रिसाइड ओनली ऑन इट्स आउटर सर्फेस, हमेशा दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल केसेज, हमेशा आउटसाइड पे होंगे, ठीक है। और टू कैपेसिटर आर इक्वल कैपेसिटी आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज, द रेशियो ऑफ द टोटल कैपेसिटर ऑफ द टू केसेज विल बी, तो किस चीज़ के बराबर होगा आपके पास, देखो ना, उसने पहले क्या कहा, टू कैपेसिटर आर इक्वल फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल में हो जाएगा 2n रेशियो n बाय 2, तो n कट गया 2, उस तरफ 4:1, ठीक है। और अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, अ मेटल शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज प्लेस बिटवीन द प्लेट, तीन शीट रिमेन पैरेलल टू द प्लेट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी बात आपके पास इसके लिए करेक्ट है, तो द बैटरी विल सप्लाई मोर चार्ज, हाँ बैटरी शीट, ठीक है, थिकनेस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी, अ मेटल शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज प्लेस बिटवीन देम, द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस तो डिक्रीज हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विल अपीयर ऑन द टू फेस ऑफ द मेटल प्लेट, इक्वल एंड अपोजिट, यस ये बात बहुत करेक्ट है। वो देखो उससे क्या बहुत ही तीन है, तो फिर हम ये कैपेसिटेंस इंक्रीज वगैरह नहीं कह सकते, ठीक है। और बैटरी का चार्ज तो बैटरी से आ रहा है, ठीक है, जितना पहले आ रहा था वही आ रहा है, ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपका पता है कि जीरो रहता है, तो ये वाली बात आपके पास फिर करेक्ट है। वी गेट शिफ्ट बेसिस व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड आर रिएक्ट विथ प्राइमरी एमाइन, ठीक है, प्राइमरी के साथ, तो ए ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन 5-bromo-3, कायरल कार्बन कहते हैं जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, तो अब क्या है, 3-chloro-hexane-2-ol 6 कार्बन है, ठीक है, 5-bromo-3-chloro-2-ol, अब इसमें पूछ रहा है कितने कायरल कार्बन हैं, तो ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप और ये H, ये चौथा ग्रुप, एक ये हो गया, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, ये दूसरा हो गया, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, तो तीन आपके पास हो गए, तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, कौन सा आपके पास इनमें स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड आयन, ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो माई फ्रेंड हैड नेवर विजिटेड अ हिल स्टेशन डैश शी वांट्स टू, माई फादर नेवर के साथ फिर क्या आता है, स्टील स्टेशन नार शी वांट्स, ना वो गया है और ना वो चाहता है, तो नार आपके पास बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 24 आई सा यू डैश वर बाइंग द कंप्यूटर, आई सा यू मैंने आपको देखा, वाइल जब आप कंप्यूटर बाय कर रहे थे, द मेन डिफरेंस बिटवीन नैड एंड एनएडीपी इज द फॉस्फेट ग्रुप इन एनएडीपी इज अटैच, वो किसके साथ अटैच होता है, पेंटोज शुगर, विच आर द फॉलोइंग एक्ट हैज एन ऑफ ऑन स्विच फॉर एंजाइम, तो कौन ऑन ऑफ स्विच के तौर पर एक्ट करता है, कोफैक्टर, पीएच इफेक्ट चार्ज, मोर स्पेसिफिकली एट एक्टिव साइट, ठीक है। 28 है आपके पास के अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल दैट हैव 12 न्यूक्लियोटाइड इंक्लूडिंग स्टॉप कोडन एट इट्स टर्मिनल एंड कैन फॉर्म अ चेन ऑफ, तो देखो ना कोडान में आपके पास कितने अमीनो एसिड होते हैं, 3, करेक्ट है आपके पास, ठीक है, 12 इंक्लूडिंग स्टॉप कोडान, तो स्टार्ट्स, ठीक है, 3 अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद यूनिफॉर्म डाइइलेक्ट्रिक मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता, सो क्यू इज इक्वल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक करेगा, डाइइलेक्ट्रिक पे करता है, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन अ पैरेलल मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, एंड अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस आर बाय एन और कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल फिर अगेन एन, तो
आर बाई एन का स्क्वायर इसके लिए फार्मूला यूज होगा, ठीक है, ये डी वाला आपके पास करेक्ट है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मटीरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स, तो जिसका रेजिस्टेंस जितना कम हो, कॉपर ठीक है, द कंपाउंड विद लीस्ट एक्सोथर्मिक लैटिस एनर्जी, तो लीस्ट एक्सोथर्मिक लैटिस एनर्जी किसकी आपके पास, ये कैल्शियम क्लोराइड, तो जिस पे चार्ज कम हो, साइज जिसकी बड़ी हो, ठीक है, ये के सी एल, इस पे प्लस वन है, सी एल की साइज भी बड़ी है, बाकी कैल्शियम प्लस टू है, बेरिलियम प्लस टू है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीन जिस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो उतना इलेक्ट्रो मोर, तो ये मोलिब्डेनियम देखो ना सिक्स है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। चूज द एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर, आइसोट्रॉपिक तो सेम होता है, एनिसोट्रॉपिक डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें कोफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपके पास करेक्ट है। और वी हैव टू कम्प्लीट आवर असाइनमेंट डैश 20 जून, तो वी हैव टू कम्प्लीट आवर असाइनमेंट बाय, ये बाय वाला प्रेपोजिशन लिख दिया, ठीक है। आई कुड नॉट सी हिम डैश वेयर, तो आई कुड नॉट सी हिम एनी वेयर, ये तो सिंपल हम यूज़ भी करते हैं। क्लोरोफिल इज फाउंड इन, क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, इन प्लांट्स, कौन सा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी इज फाउंड इन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी, ठीक है। और डैश प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कैरोटीनॉइड इनको बचाता है। और विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव बोथ वाटर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल पार्ट, फॉस्फोलिपिड भी है, क्लोरोफिल भी है, ठीक है। हाउ मैनी एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेट कैन बी फाउंड फ्रॉम फोर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप एक एसिटाइल ग्रुप एक क्रेब्स साइकिल में जाते हैं, वहाँ पे 1 ATP बनता है, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल के जरिए। अब इसने क्या कहा, फोर, तो फोर से फिर 4 ATP ही बनेंगे। अच्छा, फॉर विच आर द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओम ला इज ओबेड, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट है, दे हैव डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, एरिया के साथ इनवर्स हैं। और इन द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल, वो आपके पास क्या है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। कंस्टेटन वायर इज यूज इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज, क्योंकि टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इसलिए उनको यूज़ करते हैं, यही रीज़न है इसके पीछे। और कंटेनर इज हैविंग मिक्सचर ऑफ 20% अमोनिया, 30% हाइड्रोजन एंड 50% ऑक्सीजन अंडर 50 एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। चूज द करेक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3H2 एंड O2, तो जो जितना ज़्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब 50 है ना, 50% तो ऑक्सीजन है, जब 50% ऑक्सीजन, इसमें तो 25 ATM उसका हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो इसमें ये 25 ATM ऑक्सीजन का, बाकी 30% बच गए, और 20, और 20 को 25 पे डिवाइड करना है, ठीक है, मीन्स 25 है उसको एक 30, 25 का 30% क्या होगा, ये गया 10, 2.5, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, 7, 3 × 2 = 6, ये 25 है ना, सॉरी 2.5 आता है ना, 3 × 5 = 15, तो इसमें आपके पास, तो देखो ना 20% अमोनिया है, 20% अमोनिया है, 20% अमोनिया है ना, 3 × 6 = 18 हो जाए, 10 × 2 = 20, और ये 3 भी है ना, अच्छा ठीक है, 25% का ऑक्सीजन का आपके पास आ गया, ठीक है, तो बाकी तो सारे ऑप्शन आपके पास गायब, क्योंकि लास्ट में किसका भी 25 नहीं है, पहले हमें तो ऑक्सीजन बाद में चाहिए ना, ये देखो O2 लास्ट। अब हाइड्रोजन 30 है और वो 20 है, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन का कम है अमोनिया का, और हाइड्रोजन का ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन का 10 हो जाएगा और उसका 15, इसका कम्बिनेशन 25 आता है। इस तरह आप डायरेक्ट कर सकते हो बगैर कैलकुलेशन के, अल्कीन प्लस O3 गिव यू प्रोपानोन प्लस प्रोपानॉल, द आयोपिक नेम ऑफ अल्कीन आपके पास क्या होगा, तो इसमें देख लो ये 2-methyl pentoin, 5 कार्बन है, 2 पे methyl pentoin, यहाँ पे टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो लग जाए डबल ओ और एच, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, तो देखो ना यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, और 3 कार्बन वाला आपके पास क्या आया, कीटोन भी आया, तो ये डी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। प्रोपीन रिएक्ट विद हाइपोक्लोरस एसिड टू फॉर्म, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ ये कौन सा प्रोडक्ट आपको देते हैं, तो प्रोपीन 3 कार्बन है, यहाँ पे एच एच, यहाँ पे एच,
यहाँ पे एच एच, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड पे आएगा, इधर एच आएगा और एच ओ सी एल, ओ नेगेटिव है ना, नेगेटिव, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर सी एल पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वन क्लोरो टू प्रोपनोल आपके पास क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। डी डैश ब्यूटाइड, मार्कोनी का रूल है, पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है नेगेटिव वहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। डी डैश ब्यूटाइड आफ्टर सच हार्ड वर्क, देखो ना एक सख्त काम किए तो दी मस्ट बी टायर्ड, लाजमी बात है कि वो थके हुए होंगे। ही बॉट अ डैश जैकेट, तो ओपिनियन साइज एज शेप ओसास डॉट कॉम वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें देखो ना साइज पहले आती है, ओपिनियन साइज, फिर एज शेप कलर ओरिजन, ठीक है, तो ओरिजन बाद में आता है, मटीरियल कम, तो ये डी वाला आपके पास करेक्ट है। इफ़ द रिएक्शन रेट ऑफ एंजाइम डिक्रीजेज हेज द कंसंट्रेशन ऑफ मेटेलिक एक्टिवेटर इज रिड्यूस, रेट डिक्रीज हो गए जब मेटेलिक एक्टिवेटर को भी हमने कम किया, इसका मतलब है वो क्या था, वो कोफैक्टर था, वो पहले इसका रेट बढ़ा रहा था, जब हमने उसको हटाया तो उसका रेट भी कम हो गए, ठीक है। एंड विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में H2O से इलेक्ट्रॉन आता है लास्ट नॉन साइक्लिक मैंने DP और फिर जाता है केल्विन साइकिल की तरफ, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में ये है, वो है 51 है कि विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस अकर ड्यूरिंग केल्विन साइकिल, रीजनरेशन ऑफ CO2 रिसेप्टर आपके पास होता है, कैप्सिड प्रोटीन ऑफ HIV मेड अप ऑफ P24 P17 मैट्रिक्स का है, ठीक है, GP121 ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है, 41 रॉड शेप है, GP120 स्पाइक शेप है, GP ग्लाइकोप्रोटीन को जाहिर कर रहा है, 120 41 ये लेंथ को जाहिर कर रहा है, तो ये सारी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। 51 है आपके पास, सॉरी 53, कि इफ़ अ 30 वोल्ट 90 वोल्ट बल्ब इज टू बी वर्क इन 120 वोल्ट लाइन द रेजिस्टेंस टू कनेक्टेड, तो पहले देख लो ना P इज इक्वल टू IV, पी आपके पास 90 है, वी आपके पास 30 है, तो करंट आपके पास आ गया 3 एम्पेयर, वहाँ से वी इज इक्वल टू IR, वी आपके पास 120 है और वो तो आपके पास क्या है 3 आया था ना, तो 53 में आपके पास क्या हो जाएगा, वी आपके पास, एक मिनट इसको मैं कैलकुलेटर पे करूँ, कह रहा है 30 वॉट बल्ब, नाइन्टी वॉट पावर दे रहा है, और रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, देखो ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है V² / P, अच्छा इसने फिर सीरीज की भी बात की, ठीक है। करंट हमारे पास कितना आ रहा है, करंट आपके पास आ रहा है 3 एम्पियर, ठीक है, और R इज इक्वल टू PV², तो इसका भी कोई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो V है 30 × 30 और नीचे P 90 जीरो गए, 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 3 = 10 यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, और वैसे V इक्वल टू IR से हमारे पास 40 आ जाएगा, बट 10 तो ये वाला भी था, ठीक है, 40 - 10 तो 30 ओम आपके पास फिर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इफ़ टू वायर मेड ऑफ द सेम मटीरियल हैविंग लेंथ इन द रेशो 1:2 रेडियाई इन द रेशो 2:3 रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्ट है वो 1/2 और रेडियस के साथ इनवर्स है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ऊपर और 3 का स्क्वायर नीचे 9 हो जाएगा, तो 4 × 2 = 2 = 4 2:9 रेडियाई इन द रेशो 2:3, तो 54 है ना, इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, इसको एक मिनट में रफ करूँ, ये कह रहा है कि टू वायर मेड ऑफ द सेम मटीरियल हैविंग लेंथ रेशियो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बॉडी टू द रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड बॉडी लेंथ के साथ डायरेक्ट है 1/2 एंड रेडियाई रेशियो, और रेडियाई का ऊपर चला जाता है बट स्क्वेयर, तो 2 का स्क्वेयर और नीचे 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर ऊपर हो जाएगा 4, तो 4/18, ठीक है, तो 4/18 आपके पास यहाँ पे कहीं मौजूद है नहीं, 4/18 तो यहाँ पे हमारे पास कहीं भी मौजूद नहीं है, 2/9 अगर मैं कर दूँ, 2
टू बाई नाइन भी करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास दे रहा है रेडियस रेशियो, हमारे पास दे रहा है, ठीक है। लेंथ रेशियो भी ये दे रहा है लेंथ के साथ, तो इसमें कोई स्ट्रेचिंग वगैरह की बात नहीं की। ठीक है, इसमें लेंथ की कोई बात नहीं की, इसमें यही होगा फिर, क्योंकि देखो ना लेंथ के साथ डायरेक्ट है, वो है 1:2। टू वायर मेड अप ऑफ द सेम मटीरियल हैविंग लेंथ रेशियो 1:2, और रेडियस के साथ ये आर स्क्वायर के साथ होते हैं, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेचिंग केस ले लूँ ना, स्ट्रेचिंग केस, अगर मैं स्ट्रेचिंग केस ले लूँ तो स्ट्रेचिंग में ये 4 हो जाएगा और वो आपके पास हो जाएगा 16। ये तो फिर ज़्यादा बनता है 16 ना, ऊपर तो आएगा भी कम है, लाजमी बात है। एक मिनट, हम गलत तो नहीं ले रहे, गलत ले रहे हैं ना, गलत ले रहे हैं, इनवर्स है ना, तो जब 2 इनवर्स है तो 2 को नीचे लो ना, 1:2, ठीक है 1:2। अब रेडियस ये 2 ऊपर तो नहीं लेना, ये तो नीचे लेना है, तो ये 4 हो जाएगा और 3 का ऊपर, तो 9:8, डी ऑप्शन मौजूद है ना, क्योंकि रेडियस के साथ इनवर्स, और मैं इसको डायरेक्ट ले रहा हूँ। अ वायर ऑफ लेंथ एल मीटर इज ड्रॉन इन टू अ लेंथ 2L, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, तो रेजिस्टेंस के बारे में आप क्या कहोगे, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ, बट यहाँ पे स्ट्रेचिंग केस है, तो एल का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 टाइम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। पहले कह रहा है आपके पास 1.08 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी 1 मोल की बात कर रहा है, इसमें 1 मोल एटम होंगी, एन एटम होंगे, ठीक है, ये चलो करेक्ट है। 2 ग्राम ऑफ H2, ठीक है, ये फिर 1 मोल है, और एटम इसमें कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 मोल होंगे, ये भी करेक्ट है। 1 ग्राम ऑफ H2 हैज 1.008 ग्राम ऑफ H2 हैज 6.02 मल्टीप्लाइड, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये यहाँ पे इस तरह नहीं होगा, 1.008 ग्राम ऑफ H2 हैज, यहाँ पे मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है, फिर ऑल ऑफ दिस, फिर ये सारी बातें करेक्ट हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये देखो ना 2 ग्राम था, ये ठीक है, मॉलिक्यूल भी ठीक है, उसमें हाफ मॉलिक्यूल होता, ठीक है, अगर एच होता फिर ये 1 मॉलिक्यूल सही था। और ये कह रहा है कि 2 मोल, 2 ग्राम था तो इसमें 2 मोल एटम थे, अगर इसको मैं 1 ग्राम करूँ तो इसके एटम भी 1 मोल हो जाएंगे, ठीक है, ये भी करेक्ट है ऑल ऑफ दिस। और फिर है द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस इज एक्सप्लेन हैज अंडर, सो इट इज एक्सप्लेन हैज अंडर, इंक्रीज इन प्रेशर काज इंक्रीज इन डेंसिटी, डायरेक्ट रिलेशन है इनमें, ठीक है। फिर आपके पास है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोडियम क्लोराइड वाटर इज पॉसिबल बिकॉज, किस रीजन की वजह से ये पॉसिबल है, बिकॉज लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज लेस देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, तो दैट्स व्हाई, फिर क्या होता है, फिर पॉसिबल होता है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। और विच वन इज करेक्ट, अली आर असलम हैज टेकन देयर मील, अली आर असलम हैज टेकन हिज मील, ठीक है, देखो अली आर असलम टेकन देयर नहीं, हिज होता, क्योंकि वो एक की बात हो रही है, अली आर असलम टेकन हिज मील, ये तो करेक्ट है, अली आर असलम हैव टेकन हिज मील, ये फिर रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि एंड में फिर दोनों आते हैं। द वर्ड एंटीक मीन, सो इसके क्या मतलब है आपके पास, बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम, ओके, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन फिर ख़त्म हो गई।